हेलो एवरीबॉडी, इस खास शो में आपका स्वागत है। अभी हम बात करते जा रहे हैं आपसे ग्रहण के बारे में। ये जो चंद्र ग्रहण लग रहा है 27 तारीख की रात को 28 तारीख की सुबह तक चलने वाला है, सबसे बड़ा इस सदी का 150 साल बाद आने वाला चंद्र ग्रहण, इसका प्रभाव हमारे जीवन पर कैसा पड़ेगा। भिन्न भिन्न तरीके से अभी हमने शोध किया कि इसका प्रभाव राशियों पर कैसा पड़ेगा, व्यक्तित्व पर कैसा पड़ेगा, समाज पर कैसा पड़ेगा। तो एक और विधा है जिसे बोलते हैं अंक ज्योतिष यानी कि न्यूमरोलॉजी। चलिए जानते हैं कि विश्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है, क्योंकि ये जो पूरा नंबर निकल कर आता है उस दिन का, वो है शिफ्ट नंबर नाइन होने की वजह से 27 जुलाई को जो पड़ रहा है ये चंद्र ग्रहण, इससे यूनिवर्स को जो एनर्जीज मिलती हैं वो एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलूँगी बहुत ही ज़्यादा, सो मच ऑफ एनर्जी आर फ्लोइंग, और ये एनर्जी जो है हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी ताकि हम मूव कर सके फॉरवर्ड इन ए क्वांटम वे। ये एनर्जीज हमारे को सेल्फ एनालिसिस की तरफ लेकर जाती हैं। ये एनर्जीज कहीं भी हमें रुकने को नहीं देती हैं। हमें इस एनर्जीज के फ्लो में आगे बढ़कर कहीं ना कहीं अपने इनर सेल्फ में झांकने की आवश्यकता पड़ेगी। ये एनर्जी हमें एक डायरेक्शन देगी जिससे कि हम अपने अंतर आत्मा में जाकर खुद झांककर ये सवाल पूछ सके कि अब हमें क्या करना है। ये नंबर लेट गो करने का भी है, उन चीज़ों को अपने जीवन से अलग करने का है जो आपकी लाइफ में अब कोई भी हायर पर्पस सॉल्व नहीं करती। तो देखा जाए तो ये शिफ्ट जो है, ये शिफ्ट हमारे को एक सकारात्मकता की तरफ लेकर जाता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस लूनर एक्लिप्स के लिए, क्योंकि बाकी नंबर्स की तरह मैं भी, बाकी मूलांक वालों की तरह मैं भी वेट कर रही हूँ कि मेरे मूलांक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आ रहा है ज़्यादातर मूलांकों के लिए। तो मैं आपको विस्तार में बताती हूँ कि आपके मूलांक के अनुसार आपके सन नंबर यानी कि मैं बोलूँगी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट है जिसमें आपका जन्म हुआ है, जिस महीने में आपका जन्म हुआ है, उन दोनों को ऐड करके जो नंबर आप अराइव करेंगे उसे बोलते हैं सन नंबर। जैसे कि अगर आपका जन्म हुआ है 2 फरवरी को, तो आपका जो सन नंबर बनकर आएगा वो 2+2 फरवरी का, फरवरी क्योंकि दूसरा महीना है तो 2 में आप 2 जमा कर लीजिए तो आपका सन नंबर बनकर आता है 4। तो आपके सन नंबर के हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि कैसा रहेगा आपका ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव। तो सबसे पहले बात करते हैं सन नंबर 1 की। तो सन नंबर 1 वालों के लिए मैं बोलूँगी कि मुझे लगता है कि इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आप अपने करियर और फाइनेंसेस पर ज़्यादा फोकस देंगे। आप काफ़ी सीरियस हो जाएंगे अपनी लाइफ से जुड़े हुए, इस एस्पेक्ट से जुड़े हुई चीज़ों को लेकर, और आप अपनी इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकलिटी से भी काम लेंगे। कहीं ना कहीं आप अपने, मुझे लगता है कि आपको रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी। आप कोशिश करेंगे कि आप थोड़े से रिस्क ले सकें, लेकिन ये रिस्क अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो ज़रूर लीजिए, लेकिन शॉर्ट टर्म रिस्क लेने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो ये था नंबर 1 वालों के लिए। चलिए अब बात करते हैं मूलांक नहीं, सन नंबर 2। सन नंबर 2 आपकी डेट और मंथ को ऐड करके जो नंबर अराइव होता है वो बनता है 2 नंबर। तो आपके लिए मैं ये बोलूँगी कि इस समय आपको अटेंशन पे करने की ज़रूरत है अपनी पर्सनल रिलेशनशिप को, क्योंकि आपका 2 नंबर कहीं ना कहीं चंद्रमा से प्रभावित है और ये लूनर एक्लिप्स है, तो आपके रिश्ते थोड़े से अटेंशन ज़्यादा मांगेंगे। अब तक आपने बहुत कैजुअली अगर किसी रिश्ते को लिया है तो अब थोड़ा सीरियस हो जाइए। अगर आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो अब हो सकता है कि अदर पार्टी आपसे कमिटमेंट की बात करे और आपको जल्दी ही अपनी मैरिज को लेकर कोई डिसीजन लेना पड़ सके। तो कुल मिला के ये बुरा नहीं है, ये अच्छा टाइम है, कंक्लूजन का टाइम है। हाँ, मन में उथल पुथल हो सकती है, थोड़े से मूड स्विंग्स आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन उसके चलते हुए भी आपका विट एंड विजडम काफ़ी हाई रहेगा। इसके बाद मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, आपको इस समय अपनी हेल्थ पर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, खास करके महिलाओं को। अगर आपको किसी भी तरह की गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये समय आपकी एग्रीवेट हो सकती है इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से। आपके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आप पूरे चंद्र ग्रहण के दौरान ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप जितना ज़्यादा करेंगी उतना ज़्यादा आपको मिलेगा लाभ। और पुरुषों के लिए भी मैं ये बोलूँगी जिनका सन नंबर बनता है 2 कि आप भी ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें और इससे लाभ लें। चलिए अब मैं बात करती हूँ नंबर 3 की। नंबर 3 सन नंबर जिसका स्वामी होता है बृहस्पति, तो आप लोगों के लिए मनी मैटर्स परेशानी का कारण हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, इतने सोर्स ऑफ इनकम एक्टिव नहीं है इस समय जितने कि खर्चे सामने आ सकते हैं। तो ऐसे में आपको काफ़ी प्लान वे में चलना होगा कि आपको कौन सा जो आपका फंड है वो कहाँ डाइवर्ट करना है, कुछ इस तरह की मुझे लगता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए सन नंबर 2 वालों के लिए, इस समय आप अपने आप को खुद को प्रमोट करने के बारे में सोचेंगे। अब तक आप दूसरों के लिए काम करते रहे, दूसरों के लिए आप कुछ भी अचीव करते रहे, उसकी ब्रांड बिल्डिंग करते रहे, लेकिन अब आपको लगेगा
मुझ में भी तो बहुत टैलेंट है, मैं भी तो अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अब आप अपने टैलेंट से खुद आगे बढ़ना चाहेंगे, और बहुत ही अच्छी बात यह है कि जो शुरुआत आप अब करेंगे, आने वाले समय में आप अपने टैलेंट से अपने आप को प्रूव भी कर पाएंगे, ये आपके लिए है। और मैं एक बात और भी बोलती हूँ कि अगर आपको कोई करियर चेंज की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उससे इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि ये चेंज आपके फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल होगा। बस आपको थोड़े फाइनेंसिस को लेकर थोड़ा सा केयरफुल होने की आवश्यकता है, बाकी और कोई मेजरली आपको नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा इस लूनर एक्लिप्स का। आपके लिए एक सिट्रीन क्रिस्टल अपनी पॉकेट में रख के चलना बहुत लाभदायक होगा, और अपने घर में अपनी वेल्थ डायरेक्शन किसी फेंगशुई मास्टर से आइडेंटिफाई करा सकते हैं। और अपने वेल्थ सेक्टर में आप सिट्रीन क्रिस्टल रखिए, सिट्रीन जियोड रखिए, इससे मिलेगा आपको काफ़ी लाभ। चलिए अब बात करते हैं नंबर चार की। नंबर चार वालों के लिए देखिए, आपको तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है हर चीज़ में, करियर में और रिलेशनशिप में। जहाँ आप करियर में आपने कोई भूल चूक की, वहीं आपके बॉस ने आपको जाके रिमांड ले लेना है आपको। तो बिल्कुल आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि आप कोई भी काम कल के लिए पोस्टपोन ना करें। जो भी काम आपको करना है वो आज ही फिनिश करके अपने अगले दिन की शुरुआत अगले दिन नए तरीके से आप करें। अच्छा, और दूसरी बात यह कि यही नहीं, आपको अपने परिवार पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके घर के बड़े, आपके घर के छोटे सब आपसे अटेंशन मांग रहे हैं, खास करके अगर आपके बच्चे हैं तो उनको आपके टाइम की बहुत आवश्यकता है। तो आपको क्वालिटी टाइम उनके साथ प्लान करने की ज़रूरत है। क्वांटिटी टाइम ना भी हो तो इस समय चल जाएगा, इस समय क्वालिटी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चों के साथ बिताना। और देखिए एक बात और है कि आप लोगों के बारे में भी यह कहूँगी, लव रिलेशनशिप में कमिटमेंट का टाइम आ सकता है। आपकी लव रिलेशनशिप परवान चढ़ रही है और बहुत ही अच्छा टाइम बीतने वाला है। इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आपके रिलेशनशिप को बहुत बल मिलेगा और आप अपनी शादी की तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी आप कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, कमिटमेंट का टाइम है, तो आपको ऑल द बेस्ट। और आप लोगों के लिए भी मैं एक टिप देना चाहूँगी कि आप अपने पास विकसित देश की करेंसी अपनी जेब में रखें, अपने वॉलेट में रखें, और आप देखिएगा कि आप भी विकसित देशों की तरह आपका भी करियर डेवलप होगा और काफ़ी ग्रो करेगा। अब बात करते हैं सन नंबर 5 की, जिसका स्वामी बना बताते हैं मरकुरी प्लैनेट। और मरकुरी प्लैनेट आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की आवश्यकता है। मरकुरी प्लैनेट कहता है कि आपको कुछ अपसेटिंग इवेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। देखिए आपको इकोनॉमिक और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अपने फाइनेंसिस को आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी में आपको और आगे बढ़ना चाहिए, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करनी चाहिए ताकि आपकी जो एनर्जीज हैं वो चैनलाइज हो सके और आप आने वाले समय में एक बेहतर व्यक्तित्व बनकर सामने आए। आपके लिए कुल मिलाकर मैं बोलूँगी ये चंद्र ग्रहण सोच में जाने का समय है, अपने लिए फ्यूचर के लिए एक अच्छे व्यक्तित्व को बनाने के लिए प्लानिंग करने का है। तो अब बात करते हैं अगले नंबर की, चलिए अब बात करते हैं सन नंबर 6 की, जिसका स्वामी है शुक्र। आपके लिए तो ये एक्सीलेंट समय है सबके बिजनेस के लिए, आपके करियर ग्रोथ के लिए, पर्सनल रिलेशनशिप के लिए, हर दृष्टि से ये जो चंद्र ग्रहण है बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आता है। अब तक जितने भी आपने एफर्ट्स किए, जितने भी आपने काम किए, उनका मिलेगा आपको रिकग्निशन, फेम मिलेगा, और आप नेक्स्ट लेवल तक प्रमोट होने के लिए भी जैसे बोलते हैं कि आपको कोई नॉमिनेट कर सकता है कि आपको नेक्स्ट लेवल की प्रमोशन दी जाए। साथ ही साथ मुझको लगता है कि आपको सिर्फ ज़रूरत है अपनी वाणी में कुछ सुधार लाने के लिए। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो जाइए, कई बार स्ट्रेट अवे जो बात कह दी जाए उससे सामने वाले का मन दुख जाता है और आपका रिश्ता जो कि बहुत अच्छा हो सकता है उस व्यक्ति के साथ, वो थोड़ा सा शुरू से ही ख़राब होना शुरू हो जाता है, एक बैड टेस्ट सा डेवलप हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होने की चलने की आवश्यकता है। आपके लिए मैं एडवाइस करूँगी कि आप अपने हाथ में पहने रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल, जैसे मैंने रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल देखी है। रोज़ क्वार्ट्स जो है पिंक कलर का एक बहुत ही सूदिंग क्रिस्टल होता है, इसे पहनने से आपकी जो हार्ट चक्रा ओपन रहेगा, काफ़ी अच्छी एनर्जीज होंगी और मूलांक 6 और साथ साथ सन नंबर 6 दोनों वालों के लिए काफ़ी अच्छा फल देगा ये रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल। चलिए अब बात करते हैं हम सन नंबर 7 की। अगर आपका डेट और आपका मंथ ऐड होके 7 बनता है तो आपके लिए ये फोरकास्ट है। देखिए आपको, मुझे लगता है कि ये जो पूरा लूनर एक्लिप्स का जो इम्पैक्ट है, आप इनसाइट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, आप अवेकनिंग पे ध्यान देंगे, अपने इनर आप जाकर आप अंतरात्मा में अपनी खुद की अंतरात्मा से आप खुद प्रश्न करेंगे कि अब जीवन में और आगे क्या, अब तक जो भी कुछ किया उस बारे में आप सोचेंगे कि आपने सही किया या गलत किया। काफ़ी ज़्यादा आपका जैसे बोलते हैं
को काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एनालिसिस का समय शुरू हो जाता है। कुछ मेजर एक्शन आप नहीं करते हुए दिख रहे, बस काफ़ी ज़्यादा सेल्फ एनालिसिस की तरफ ही जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस मैं बोलूँगी आप करिए, और ओम आहुम मंत्र का जाप करने से आपको मिलेगा स्पीच, आपका माइंड बॉडी एंड स्पीच का फ्रीडम, और उसमें आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हाई होंगी। चलिए अब मैं बात करती हूँ नंबर 8 वालों की। आपका जो फल निकल कर आता है वो काफ़ी हद तक नंबर 1 की तरह आता है, जहाँ पर मुझे लगता है आप भी अपने करियर और फाइनेंसिस को ही टॉप प्रायोरिटी देंगे। रिश्तों को थोड़ा सा आप थोड़े समय के लिए बैक सीट दे सकते हैं और वो ठीक भी रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी का मन ना दुखाएं। तो अगर आप करियर पे फोकस करेंगे तो नंबर 1 वालों की तरह आप भी काफ़ी सक्सेस लक को प्राप्त कर सकते हैं, और अपने नए नए आइडियाज़ से आप अपने प्रोजेक्ट को सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। तो कुल मिला के एक न्यू जॉब चेंज भी आपके लिए बेनिफिशियल है, या नया प्रोजेक्ट शुरू करना और बिल्कुल ऑल द वे न्यू तरीके से शुरुआत करना काफ़ी आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए अब बात करते हैं सन नंबर 9 की। नंबर 9 वालों के लिए मैं कहूँगी कि ये जो चंद्र ग्रहण का प्रभाव है आपकी इमोशंस को टच करेगा। इस समय आप बहुत भावुक रह सकते हैं, लेकिन देखिए आपको डिप्लोमेटिक होकर चलने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप कुछ नया करना चाहेंगे, साथ साथ मुझे लगता है कि अब आप पुराने ट्रेंड्स, पुरानी सोच, पुराने लोगों, इन सब से हटकर आपको लगेगा नहीं, अब मुझे एक नई शुरुआत करनी है। तो पास्ट टेस्टेड मेथड्स को छोड़कर आप न्यू इनोवेटिव मेथड्स की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। देखा जाए तो अच्छा भी है, क्योंकि ये जो नंबर 9 की एनर्जीज क्रिएट हुई है इस समय, और आपका भी नंबर 9 है, तो आप कहीं ना कहीं लेट गो की स्थिति में हैं। जो रिश्ते अब तक आपको दुख देते आए हैं, जिन रिश्तों से आपने कुछ हासिल नहीं किया, अब आप उन रिश्तों को बाय बाय करेंगे। आपका पूरा का पूरा फोकस इमोशंस, पर्सनल रिलेशनशिप्स पर ही नज़र आता है। तो आप लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि अपने रिश्तों में सही और गलत की पहचान करके ही अपना ये निर्णय लें। तो ये था आपके सन नंबर पर पड़ने वाला लूनर एक्लिप्स का प्रभाव। इस प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए आप क्या करें, ये देखते रहें हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो तक पर, और आने वाले समय में आप और भी शोज देखेंगे जिसमें मैं बताऊंगी आपको कि इस चंद्र ग्रहण का क्या है आपके ऊपर प्रभाव, और कैसे इस चंद्र ग्रहण से आप बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो आप हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, एंड कीप वॉचिंग एस्ट्रो तक।